दिस न्यू फैक्टर एंड ट्रॉपी डेट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस सून देखो फर्स्ट लॉ की जो लिमिटेशन थी कि फर्स्ट लॉ आपको यह बताता कि कोई भी प्रोसेस हुआ उसमें हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई कितनी रिलीज हुई वॉट वॉज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क डन कितना हुआ ठीक है बट इट डजेंट टेल यू अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो फॉर एग्जाम्पल जब आप मेल्टिंग की बात करते हैं कोई भी सबस्टांस मेल्ट कर रहा है तो मेल्टिंग हमेशा अगर हम आइस की बात करें तो आइस जीरो डिग्री से हायर टेम्परेचर पे ही क्यों मेल्ट होती है वन एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ठीक है अगर टेम्परेचर हमारा माइनस फाइव डिग्री सेल्सियस है तो क्या आइस मेल्ट होगी डेफिनेटली नॉट तो क्यों आइस जीरो डिग्री के बाद ही मेल्टिंग स्टार्ट होती है ठीक है तो फर्स्ट लॉ आपको ये तो बता देगा कि कोई भी प्रोसेस हुआ उसमें हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई कितनी रिलीज हुई पर किस डायरेक्शन में हुई अब अगर एक हॉट बॉडी यहाँ पर रख दी जाए उसके साइड में एक कोल्ड बॉडी रख दी जाए तो ऑब्वियस ही बात है कि हॉट बॉडी से हीट फ्लो करेगी कोल्ड बॉडी की तरफ ठीक है तो लेटेस्ट से इसमें क्यू अमाउंट ऑफ हीट फ्लो हो रही है अब फर्स्ट लॉ आपको यह बताएगा कि क्यू अमाउंट ऑफ हीट फ्लो हुई पर वो यह नहीं बताएगा कि हॉट से कोल्ड की तरफ या कोल्ड से हॉट की तरफ तो वट इज द डायरेक्शन तो डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस ये फर्स्ट लॉ नहीं बताता और कभी भी स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में भी फर्स्ट लॉ नहीं बताता है ठीक है तो हाउ एवर द फ्लो ऑफ हीट इज यूनी डायरेक्शनल फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ही फ्लो करती है पर क्यों करती है ये फर्स्ट लॉ नहीं बता पाता इन फैक्ट ऑल नेचुरली अकरिंग प्रोसेस वेदर केमिकल और फिजिकल विल टेन टू प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली इन वन डायरेक्शन ओनली जैसे पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है अब अगर एक रूम में मान लीजिए हम दो कॉर्नर्स पे दो अलग अलग परफ्यूम की बॉटल्स ओपन करके रखते हैं तो इवेंचुअली वो सारी की सारी फ्रेगरेंस पूरे रूम में फैल जाएगी तो ऐसा क्यों होता है कि ये जो गैसेस हैं ये क्यों मिक्स हो रही हैं वाई दिस मिक्सिंग इज स्पॉन्टेनियस ऐसा क्यों नहीं होता कि रूम में ऑलरेडी दो परफ्यूम्स की फ्रेगरेंस है और वो दोनों अलग अलग हो के दो कॉर्नर्स पे चली जाएं? मतलब एक फ्रेगरेंस बिल्कुल एक कॉर्नर पे आ जाए और दूसरी फ्रेगरेंस दूसरे कॉर्नर पे चली जाए ऐसा क्यों नहीं होता ठीक है तो गैसेज हमेशा मिक्स होती हैं सेपरेट नहीं होती स्पॉन्टेनियसली तो हर एक केमिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस एक डायरेक्शन में तो अपने आप होता है स्पॉन्टेनियसली जैसे पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है ऊपर की तरफ नहीं होगा बिकॉज दैट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ठीक है गैस को जो भी अवेलेबल वॉल्यूम मिलेगा वो उसमें एक्सपेंड कर जाती है उसको ऑक्यूपाई कर लेती है ठीक है तो ये स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस है कि कोई रिएक्शन किस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होता है और किस डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस होता है इसको डिफाइन करने के लिए ही सेकेंड लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था ठीक है अब नेक्स्ट पार्ट देखो उन्होंने मेंशन किया कि व्हाट हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू वार्मर बॉडी ऑन इट्स ओन कि हीट कभी भी ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी की तरफ अपने आप फ्लो नहीं करेगी बिकॉज दैट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन वैसे ही गैस इन अ कंटेनर विल नॉट स्पॉन्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट तो किसी कंटेनर में अगर गैस रखी गई है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होके एक कॉर्नर पे नहीं जाएगी कभी भी नहीं जाएगी ठीक है एयर और कार्बन डाइऑक्साइड विल नॉट फॉर्म कार्बन एंड डाई ऑक्सीजन स्पॉन्टेनियसली जैसे कि कार्बन को जलाने पे सी प्लस ओ से CO2 तो मिलता है पर CO2 अपने आप O2 और कार्बन में नहीं डिकम्पोज होगा तो हीट करने पे कार्बन और O2 कंबाइन करके CO2 बना रहे हैं कंबशन में पर CO2 अपने आप कार्बन और O2 में डिकम्पोज नहीं होता तो वन डायरेक्शन इज स्पॉन्टेनियस और उससे ऑपोजिट जाने की ट्राई करेंगे तो दैट विल बिकम अ नॉन स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन अब दीज एंड मैनी अदर स्पॉन्टेनियसली अकरिंग चेंजेस शो यूनी डायरेक्शनल चेंज तो अब हमें लगता है कि वट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ स्पॉन्टेनियसली अकरिंग चेंजेस ऐसा क्या फैक्टर है जो किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करता है हमें कैसे पता लगेगी कि ये प्रोसेस फॉरवर्ड स्पॉन्टेनियस होना चाहिए या बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियसली जाना चाहिए ठीक है तो ये हम एस्टेब्लिश करेंगे बाय यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स नाउ लेट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड वट डू वी मीन बाय स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्या होता है जब भी कोई प्रोसेस अपने आप हो सके बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के ठीक है फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको एक बड़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि वेन देर इज अ इंस्टेंट रिएक्शन दो चीजों के बीच में इंस्टेंट रिएक्शन होता है अपने आप हो रहा है तो वो सोचने में लगता है कि हाँ ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है फॉर एग्जाम्पल टेक द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रूम टेम्परेचर पर रख दिया जाए या नॉर्मल अगर आप इसका रिएक्शन देखो तो एच टू प्लस हाफ ओ टू गिव्स यू वाटर ये रिएक्शन तो सबको पता है होता है हाइड्रोजन गैस को बर्न करने पे वाटर वेपर्स बनते हैं ठीक है पर रूम टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर पे नहीं रूम टेम्परेचर पे इन दोनों गैसेज को रखा जाए तो आपके रूम में ऑलरेडी हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है पर क्या वाटर वेपर्स बन रहे हैं नहीं क्यों नहीं बन रहे? बिकॉज रिएक्शन तो हो रहा है ऑल दो द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इट इज एन एट एक्सट्रीमली स्लो रेट पर यह रिएक्शन अपने आप हो रहा है इसको किसी की हेल्प नहीं चाहिए तो दैट इज वाइट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो यहां पर इस एग्जाम्पल का पर्पस क्या है कि ऐसा मत सोचना कि स्पॉन्टेनियस एकदम से हो जाते हैं इंस्टेंट में हो जाते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को भी होने में सालों लग सकते हैं तो डेफिनेशन क्या है स्पॉन्टेनिटी मीन्स हैविंग द पोटेंशियल टू प्रोसीड विदाउट द एसिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी के किसी भी एक्सटर्नल हेल्प लिए बिना रिएक्शन वो हो सकता है दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अब ये आपको स्पॉन्टेनिटी जो है कभी भी स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताती जैसे अगर कहा जाए कि H2 और O2 के बीच में जो रिएक्शन है दैट इज स्पॉन्टेनियस तो आपको ये तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं मिल रहा इससे कि ये रिएक्शन फास्ट है स्लो है या बहुत ज़्यादा स्लो है ठीक है ना अब स्पॉन्टेनिटी की बात करें तो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है वो अपने आप आ रहा है उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है ठीक है इरिवर्सिबल ठीक है एंड इट मे ओनली बी रिवर्स बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी तो इसको रिवर्स करने के लिए हमें एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत या एक्सटर्नल वर्क डन कुछ इस तरह से सोर्स ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा